हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फालूदा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूं और ये हम केसर पिस्ता फालूदा यहां बनाने वाले हैं और साथ ही में वीडियो के अंदर हम सेवैयां भी घर पर ही बनाएंगे फालूदा की। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा ये। तो सबसे पहले हम रबड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप दूध लिया है और इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और दूध को कढ़ाई में डालने के बाद हमें उसे कंटिन्यू हाई फ्लेम पर चलाते रहना है और दूध को थिक करना है। हमें रबड़ी की कंसिस्टेंसी करनी है तो उसे लगातार चलाते रहें, अदरवाइज़ वो हाई फ्लेम पर है तो वो बॉटम में आपके चिपक सकता है। और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी केसर जो मैंने दूध के अंदर भिगो के रखी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा केसर का कलर आ जाए। और आप यहाँ चाहें तो केसर का कलर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन हम ओरिजिनल केसर डाल रहे हैं तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो हमारा जो रबड़ी है वो बन के तैयार हो गई है और इसे अब हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून तुकमरिया या जो सब्जा सीड्स आते हैं जो फालूदा में काम आते हैं वो लिए हैं और इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में सोख करके रख दिया है। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर ईजिली अवेलेबल होंगे। और आइए अब हम सेवैयां बना लेते हैं। तो सेवैयां बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और कॉर्नफ्लोर के अंदर अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून शुगर डाल देंगे। ये पीसी हुई शक्कर मैंने इसके अंदर डाली है। शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद हमें इसकी पानी डाल करके इसका घोल बनाना है, यानी कि इसकी जो स्लरी है हमें कॉर्नफ्लोर की वो बनानी है। तो यहाँ पर जो पानी का रेशो है वो 1:3 का रहता है, यानी कि अगर आपने एक पोर्शन अगर आपने कॉर्नफ्लोर लिया है तो 3 पोर्शन आपको यहाँ पर पानी इसके अंदर डालना है। पहले एक पोर्शन डाल दें और एकदम लम्प फ्री उसकी स्लरी बना लें और उसके बाद 2 बैचेस में पानी और डाल दें। सारा पानी एक साथ डालेंगे तो उसमें बहुत से लम्ब्स आ जाएंगे और गुटलियाँ आ जाएगी कॉर्नफ्लोर की। अच्छे से उसको मिक्स कर लें और इसके बाद हम इसके अंदर फूड कलर डाल देते हैं। तो जो भी कलर आपको आपकी सेवैयां के लिए चाहिए यहाँ पर आप डाल दें। इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह की जो ये मशीन आती है नमकीन बनाने की जो मशीन है वो मशीन मैंने यहाँ पर यूज़ की है। सेवैयां हम इसी से बनाएंगे और इसे भी आप रेडी रखें क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत फास्ट काम करना है। तो ये मशीन हमारी तैयार हो गई है और साथ ही में हमने बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, पानी में बहुत सारा बर्फ़ डाला है और उसके बाद उसे फ्रिज में रखा हुआ है। तो आइए अब हम सेवैयां बना लेते हैं। तो सेवैयां बनाने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है और उसके अंदर हम ये जो कॉर्नफ्लोर की जो हमने स्लरी बनाई है उसे डालकर हमें इसे पकाना है। तो लो फ्लेम पर हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। लगभग 5 से 7 मिनट में जो है आपका पेस्ट जो है सेवैयां बनाने के लिए वो बनके तैयार हो जाएगा और जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। देखिए इस तरह से ये थोड़ी देर में गाढ़ा होने लगा है और हमें इसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। अगर आप कॉर्नफ्लोर को कच्चा रखेंगे तो जब आप उसकी पानी में सेवैयां बनाएंगे तो वो पानी में जाकर के घुल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इसे अच्छे से एंड तक ट्रांसपेरेंट होने तक इसे पकाएं। जल्दबाजी ना करें सेवैयां बनाने में, सेवैयां बन 5 मिनट में जाती है लेकिन अगर आपने कॉर्नफ्लोर को अच्छे से नहीं पकाया होगा तो सेवैयां जो है वो पानी में जाने के बाद सारी उसमें घुल जाएगी, सारा कॉर्नफ्लोर जो है पानी के अंदर जाने के बाद फैल जाएगा। तो इसी तरह से और कोशिश करें कि इसे नॉन स्टिक पैन के अंदर ही बनाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगा वैसे आपको पता लगने लगेगा और ये थोड़ा सा स्टिकी होने लग जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से हमारा कॉर्नफ्लोर जो है वो पक चुका है और इसे अब तुरंत ही हमने जो सेवैयां बनाने के लिए जो मशीन तैयार करी थी इसके अंदर इसे डाल देते हैं। मशीन में को आपको कोई ऑयल नहीं लगाना है और इसे केयरफुली बंद करिए क्योंकि बहुत गर्म होगा। और अब इसको बंद कर देते हैं एकदम प्रॉपर तरीके से और जो पानी जो आपने रखा है ठंडा होने के लिए फ्रिज में उसे निकाल दें। और इसके अंदर अब हमें ये सेवैयां बनानी है तो किसी कपड़े से इसे पकड़िएगा, अदरवाइज ये बहुत गर्म होती है। और जिस तरह से मैं सेवैयां बना रही हूँ राउंड राउंड घुमाते हुए आपको उस तरह से सेवैयां बनानी है इसकी। याद रखें पानी एकदम आपको बर्फ़ जैसा ठंडा पानी यूज़ करना है सेवैयां बनाने के लिए
और सेवैयाँ बनाने के बाद इसे टच नहीं करना है। आधे घंटे के लिए आपको इसे इसी में रहने देना है। आप चाहें तो इसे फिर से फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, सेवैयाँ को आधा घंटा हो चुका है और ये अच्छे से पानी के अंदर सेट हो गई है। अगर आप गरम गरम इन्हें टच करेंगे तो वो मैश हो सकती है, इसलिए इन्हें थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद ही इन्हें इस तरह से टच करें। तो सेवैयाँ बिल्कुल तैयार है और सब्जा सीड्स जो हैं सोक किए थे वो भी सोक हो चुके हैं। देखिए डबल हो गए हैं साइज़ में। रबड़ी ठंडी हो चुकी है और आइसक्रीम भी तैयार है। तो आइए अब हम फालूदा बना लेते हैं। तो फालूदा शॉर्ट्स में यहाँ बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ छोटी ग्लासेस यूज़ की हैं। आप बड़ी ग्लासेस में भी फालूदा बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक लेयर सेवैयाँ की लगाएंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे रबड़ी। तो 2 टीस्पून जितना रबड़ी मैं यहाँ डाल रही हूँ और उसके ऊपर थोड़े से नट्स डाल देंगे, चॉप किए हुए नट्स जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके ऊपर हम थोड़े से सब्जा सीड्स डाल देंगे। और फिर से हम एक लेयर लगाएंगे सेवैयाँ की। लेयरिंग जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने केसर पिस्ता आइसक्रीम यूज़ की है और आइसक्रीम की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर दी हुई है और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो आइसक्रीम है इसमें हमने कोई क्रीम का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ दूध से हमने ये आइसक्रीम बनाई है। तो एक बार रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। और ये आपका जो फालूदा है वो बन के तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी है फालूदा को घर पर बनाना। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।